इस लेक्चर में हम बात करने वाले लैमिनार फ्लो के केस में जो चैप्टर होता है विस्कस फ्लो, हम उसमें ये टॉपिक पढ़ने वाले लैमिनार पाइप फ्लो। उसमें अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया है शेयर स्ट्रेस, आप चाहें तो वो वीडियो कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, चैनल की लिंक भी दी हुई है, और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, मतलब इससे पहले वाले और उससे पहले वाले में, कि जो भी हम पाइप फ्लो या फिर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के बीच में यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं शियर स्ट्रेस से। शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यू मीन, वहाँ से चाहें तो आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए या फिर हेड लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये एक प्रोसीजर होती है किसी भी न्यूमेरिकल को आसान या फिर ईजिली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हम अभी तक शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वीडियो आप कार्ड में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस। तो मैं लिख दूंगा यहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार पाइप फ्लो, ठीक है, या फिर विस्कस फ्लो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब विस्कस फ्लो रहेगा तो जाहिर सी बात है लैमिनार होने वाला है, टर्बुलेंट तो होगा नहीं। और टर्बुलेंट की एक दो चैप्टर है हमारे पास, वहाँ की टर्बुलेंट की हमारे पास ना ही प्रोफाइल होती है, तो उसकी स्टडी हम एक रेस्ट्रिक्शन में ही करते हैं या फिर कुछ थोड़े से एरिया की करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार पाइप फ्लो, इसको निकालना है हमको। तो देखिए, जैसा कि हम टाउ कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप जाकर देखिए, और जो जो लिंक मैंने बोली है कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उन वीडियो को आप देखेंगे तो वीडियो जो भी बनाया है उसमें और क्लियरिटी आएगी आपको, और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी यदि आप केवल जो वीडियो चल रहा है उसको देखेंगे तो समझ में आएगा, और क्लियरिटी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी देख लें। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाय टू, ये हम अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और जब लैमिनार फ्लो है, विस्कस फ्लो भी है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को भी फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा म्यू टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो लिख देंगे म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर वाई टू, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं पाइप को, ये हमने बना लिया पाइप, ठीक है। यहां पर हम दो तीन टर्म यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या, टोटल रेडियस पाइप की, दूसरी रेडियस के साथ स्मॉल रेडियस आर, और एक टर्म होगा बाय बाय ये वाला टर्म, इसको डील करने के लिए इसको भी हमको डील करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं, आर टू हो जाएगी टोटल रेडियस, ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब स्मॉल रेडियस हो जाएगी आर, यानी कि जिस भी डिस्टेंस पर हम सेंटर से कैलकुलेट करना चाहते हैं आर, और बाय क्या हो जाएगा, बाय डिस्टेंस हो जाएगी उस आर की, स्मॉल आर की। तो हम यहां से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू बाय प्लस आर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, टोटल आर है यानी कि कैपिटल आर है पाइप की रेडियस, आर डिस डिस्टेंस पे आप वेलोसिटी प्रोफाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं वो, और बाय डिस्टेंस है उस आर की, उस आर तक बाय से डिस्टेंस है बाय, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू बाय प्लस आर, टोटल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे केवल बाय है आर है, बाय और स्मॉल आर को हमको रिलेट करना है, आर कांस्टेंट रहने वाला है, तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर तो टोटल कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आर जो कि हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डी वाई प्लस डी आर। तो हम यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी बाय
इज इक्वल टू इस म्यू को मैं इधर लेके आऊंगा तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस टू म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर, और इस डी वाई को भी मैं इधर लेके आऊंगा लेकिन ये हो जाएगा माइनस डी आर जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डी यू इज इक्वल टू एक माइनस ये एक माइनस ये, तो माइनस वन अपॉन टू पाई डेल पी अपॉन डेल एक्स और आर डी आर, ये हमारे पास आ चुका है स्मॉल फ्लूइड के लिए। यदि हम टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू पाई डेल पी अपॉन डेल एक्स, बाहर चले जाएंगे केवल वेरिएबल है r, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा तो टू ऑलरेडी तो हो जाएगा क्या फोर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन फोर, ये पाई नहीं ये म्यू है, म्यू म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर डी आर, सॉरी ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दो टर्म और यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव पैराबोला हमारे पास आ चुका है क्योंकि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होती पैराबोला की, जबकि जो शेयर स्ट्रेस आई थी वो लीनियर रिलेशन आया था आर का। तो यहाँ पर दो माइनस है हमारे पास, एक माइनस है प्रेशर का यानी कि माना कि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी यानी कि नेगेटिव प्रेशर प्राप्त होने वाला है हमको मिलने वाला है, इसलिए वो साइन है, एक है माइनस वन अपॉन फोर पाई। इस माइनस का क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनने वाली है वो बनने वाली है नेगेटिव पैराबोला, ठीक है आप समझ सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकली ये प्रूफ कर चुके हैं हम। तो हम क्या करेंगे इसको, चलिए पैराबोला बना लेते हैं, ये बन गया पैराबोला, प्लस सी भी आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आएगा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर। अब इस सी की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं हम चाहे तो, जब हम रखेंगे आर की वैल्यू जीरो या फिर देखिए नेगेटिव पैराबोला आ गया, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है यदि हम एक पाइप लें और उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल प्लस शियर स्ट्रेस प्रोफाइल को ड्रॉ करें जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अलग अलग इसलिए करने पड़े, यदि वही लेक्चर को इससे रिलेट कर देता तो बहुत लंबा हो जाता, तो आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए प्लस ये लेक्चर देखिए, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे, प्लस टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। ये होती है वेलोसिटी प्रोफाइल शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जीरो है और यहाँ पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस जीरो है मतलब कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब ये कहाँ से आया कैसे आया, कब शेयर स्ट्रेस जीरो होती तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती, देखना चाहते हैं तो कार्ड में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसमें जाके देखिए, मैंने एक लेक्चर बनाया था वेलोसिटी प्रोफाइल एंड शेयर स्ट्रेस का रिलेशन, तो आपको वहां से ये समझ में आ जाएगा। अब यहां पर वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी और यहां पर मैक्सिमम होगी और यहां पर बाल के पास जीरो होगी, सेंटर पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जैसे भी हम देख चुके हैं नेगेटिव पैराबोला है उससे भी ये प्रूफ हो रहा है कि सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जबकि बॉल के पास जीरो होगी, ठीक है, इतना हम प्रूफ कर चुके हैं। अब u यदि हम जीरो लें, u इज इक्वल टू जीरो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा r, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए तो u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पाई फोर म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, r की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, सॉरी ये डी आर नहीं है मैं भी कहाँ पे लगाऊं क्योंकि आर स्क्वायर हो जाएगा तो डी आर चला जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन फोर पाई डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर,
ये आ गई सी की वैल्यू। यदि आप यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करते हैं, ये पैराबोला आपको समझ में आ चुका है इक्वेशन से, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सी की, तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1/4π माइनस माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 1/4π डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर। अब आप माइनस 1/4π को, इसको ये वाला टर्म आप कॉमन ले लीजिए, माइनस 1/4π डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, माइनस 1/4π डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है लोकल वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से भी प्रूफ हो जाएगा, जब आप r इज इक्वल टू बिगर r रख देंगे, r इज इक्वल टू r रख देंगे तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। यहाँ पे भी प्रूफ हो चुका है और वहां पे भी हम ड्रॉ करके भी प्रूफ कर चुके हैं नेगेटिव पैराबोला से। तो ये आपके पास आ चुकी है u की वैल्यू, ठीक है। तो हम u चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस 1/4π, 4π नहीं ये म्यू है, मैं बार बार पाई लिख देता हूँ, आप उसको म्यू 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 डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर ले लें माइनस 1/r² अपॉन आर स्क्वायर। ये आ चुका है आपके पास यू की वैल्यू। अब आप निकालना चाहते हैं यू मैक्स की वैल्यू, यू मैक्स की वैल्यू कहाँ पर जीरो होगी, जब हम ले लें आर इज इक्वल टू जीरो तो यू हो जाएगा यू मैक्स, जब स्मॉल आर आप जीरो ले लेंगे तो यू हो जाएगा यू मैक्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 1/4π डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है यू मैक्स की वैल्यू और यह आ चुका है लोकल वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसा कि आपको अभी तक समझ आ चुका है, हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। वेलोसिटी जो होती है वो नेगेटिव पैराबोला होती है, जैसा कि आप मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करके बता चुका हूँ। अब हमको कैलकुलेट नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, कैलकुलेट हमने टाउ कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद यू कैलकुलेट कर लिया, अब हमको कैलकुलेट करना है यू मीन। यू मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो वेलोसिटी है या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू एवरेज, यानी कि डिस्चार्ज को हम यदि एवरेज ले लें तो यू को हम लिख सकते हैं यू मीन। यू मीन का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो हमको पता है कि u जो है वो पैराबोलिक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म है हमारी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो u एवरेज की वैल्यू q एवरेज में कैसे लिख दूंगा, यू एम इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाइप है, पाइप का एरिया सर्कुलर होगा, वहीं से ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्मॉल ना होकर बिग या कैपिटल होगा, ठीक है। q एवरेज इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा q एक्चुअल, और q एक्चुअल तो हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, पैराबोलिक, ठीक है। तो वहां से यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो वेरी करने वाला है, तो हम dr की टर्म में ले लेंगे, तो इसको हम लिख देंगे u 2πr into dr, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ये वेरी करने वाला है, इसीलिए एक्चुअल ये हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू एवरेज और ये क्यू एक्चुअल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तो स्मॉल के लिए है ना, टोटल तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब तो हमारे पास टोटल आएगा। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि एवरेज का मतलब ये है कि हमने इसको जो वेलोसिटी है उसको एवरेज ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू 2π मैंने कैंसिल कर दिया आर डी आर, चाहे तो आप यहाँ भी पाई लिख लीजिए, बाकी कैंसिल कर लेना बाद में, तो ये कैंसिल करने के बाद ये हट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो हम यू एम को लिख सकते हैं, टू को भाग ले लीजिए, टू को आप भाग ले लीजिए, तो हो जाएगा यू आर डी आर और अपॉन यू मीन, यू मीन नहीं आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस यू की जगह पे आप इसकी वैल्यू रखिए तो यहाँ पे आ जाएगा यू मीन इज इक्वल टू टू माइनस 1/4π डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यू, यू की वैल्यू तो हम रख चुके हैं आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इस
इस बार के टर्म को बाहर ले लीजिए, चाहे तो इस टू से इस टू को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर म्यू आएगा यहाँ पे, फाइव फिर मैंने ले लिया टू म्यू और इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसका और डेल पी अपॉन डेल एक्स को भी बाहर ले लीजिए, डेल पी अपॉन डेल एक्स। अब इसका इस आर डैश के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब डी आर, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू पाई टू म्यू आर स्क्वायर माइनस माइनस, तो ऑलरेडी हमने ले लिया बाहर डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो इसका आ जाएगा आर क्यूब माइनस सॉरी ये हो जाएगा आर स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, जीरो से आर तक करना है ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से आर तक, तो इसकी लिमिट आ जाएगी इधर आर स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर टू द पावर फोर बाय फोर, ये करेंगे आर से जीरो तक इसका इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू पाई टू म्यू आर स्क्वायर डेल पी अपॉन डेल एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा आर टू पावर फोर टू माइनस आर टू पावर फोर बाय फोर, तो ये आपके पास आफ्टर द कैलकुलेशन जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली ले देता हूँ वन अपॉन एट म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, ये आपके पास हो चुका है यू मीन। तो इस तरह हमने यू मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद आप चाहें तो डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्चार्ज भी आ जाएगा। देखिए अब एक रिलेशन आता है यू मीन और यू मैक्स का, यहां लिख दूं रेड पेन से लिख देता हूं, यू मैक्स होगा क्या बाय टू इज इक्वल टू यू मीन, ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है यू मैक्स जैसा कि आप देख चुक सकते हैं और यू मीन भी आ चुका है। देखिए यू मीन और यू मैक्स का रिलेशन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं यू मैक्स को यदि हम 1 बाय 2 कर दें तो यह जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 म्यू, यहां पे भी मैंने पाई लिख दिया, बड़ी गंदी आदत। तो देखिए यदि हम यू मैक्स बाय 2 कर दें तो यू मीन आ जाएगा। तो आपको यदि क्वेश्चन आता है यू मैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया तो यू मीन आप डायरेक्टली 1 बाय 2 कर सकते हैं पाइप फ्लो के केस में। अभी हम फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स करेंगे, उनमें आता है 1.5 का रिलेशन, यू मीन और यू मैक्स का 1.5 का रिलेशन आता है, यानी कि यू मीन होता है वो होता है 1.5 सॉरी यू मैक्स होता है वो होता है 1.5 टाइम्स यू मैक्स का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा, आ गया होगा। और यू जो होता है पैराबोलिक होता है, जबकि शियर स्ट्रेस होती है वो लीनियर रिलेशन होती है, यानी कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये होती है। यू होता है नेगेटिव पैराबोला और ये रिलेशन आया न्यूटन्स लॉ से और ये आया शियर स्ट्रेस से, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि जो हम लेमिनार फ्लो पढ़ते हैं वो विस्कस लेमिनार फ्लो होता है। एक्चुअली में बात की जाए हम तो कह देते हैं कि लेमिनार फ्लो, लेकिन ये होता है विस्कस लेमिनार फ्लो, तो विस्कोसिटी के फॉर्मूले हैं वो यूज हम कर सकते हैं, प्लस ये न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि शियर स्ट्रेस जो हमने कैलकुलेट की थी वो न्यूटन्स लॉ से की थी, उसके लिए हमने यूज की थी कौन सी क्वेश्चन उसके लिए यूज की थी हमने, मैंने यहाँ पे लिख रखी है नेवियर स्टोक इक्वेशन, उसकी लिंक प्रीवियस वीडियो के कार्ड में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे। थैंक यू।